आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए। नरेंद्र मोदी के लिए आप इतना तो जानते हैं कि वो देश के अंदर बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हट, वो देश के अंदर बड़े बदलाव लाने से पीछे नहीं हट, वो ऐसे फैसले लेते हैं जिसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे ये सोचकर लोग सालों साल तक चुपचाप बैठे, देश में सब कुछ हिलाकर सही करने में विश्वास रखते। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जो फैसला ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि दुनिया हिल जाएगी और इस कदर हिलेगी कि नरेंद्र मोदी और भारत पर हो सकता है चौतरफा हमले शुरू हो जाए। आज उनके बारे में कि वो क्या हमले होंगे, क्या खतरा है, क्या फैसला है, इस पर चर्चा करूंगा। क्योंकि पूरी दुनिया, आपको इतना तो पता है कि अमेरिका के डॉलर के पीछे भागती है, ये सबको पता है, रोज आप भी सुनते हैं डॉलर बढ़ गया, रुपया गिर गया वगैरह वगैरह आप सुनते हैं ना। सरकारें हो, कंपनियां हो, मार्केट हो, किसी का काम डॉलर के बिना नहीं चलता। दुनिया में कोई देश हो उसकी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले देखी जाती है, डॉलर की वैल्यू नहीं देखी जाती, डॉलर के मुकाबले आपके रुपए की, आपके करेंसी की वैल्यू क्या यह देखा जाता है। मतलब डॉलर जो है वो क्लास का वो लड़का हो गया कि उसके मुकाबले आपके बच्चे के नंबर कितने आए ये चेक हो, आपका बच्चा कितना भी अच्छा कर रहा हो उसकी परफॉर्मेंस डॉलर नाम के बच्चे के परफॉर्मेंस से चेक की जाएगी। क्यों भाई, इंटरनेशनल ट्रेड में किसी को सुई भी खरीदनी होती है तो पेमेंट डॉलर में करता है, यानी डॉलर का ऐसा रुतबा है, ऐसा दबदबा है कि दुनिया भर में डॉलर की दादागिरी चलती। अब आप कहेंगे शुरू में मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी रिस्क ले रहे हैं उसकी बात करूंगा, आप डॉलर की बात क्यों कर रहा हूं, अभी आपको बताऊं। डॉलर के सामने दूसरी करेंसीज बेबस हो जाती, इसके सामने दुनिया के दूसरे देश बेबस हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दबदबे को, इसी दादागिरी को खत्म करना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं, और यही वो बड़ा रिस्क है जो वो उठाने जा रहे हैं। वो डॉलर की इस बादशाहत को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं ये मैं आपको आज विस्तार से बताता हूं। अभी तक आपको पता होगा कि भारत और रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की पेमेंट रुपए में हो सके, इस पर बात चल रही कि अगर भारत रूस से कुछ सामान खरीद रहा है तो सीधा रुपया देगा, डॉलर नहीं देगा, इसका प्रयास चल रहा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और भारत सरकार डॉलर के उस दबदबे को कम करने के लिए, रुपए को और मजबूत करने के लिए, अब इस बात को सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रख रहे, भारत रूस के अलावा कई और देशों से ऐसी ही बातचीत कर रहा है कि हटाओ डॉलर, सीधा रुपया में बात होगी, सीधा तुम्हारी करेंसी में बात होगी, ये बीच से डॉलर को हटाओ। यानी अगर आप इसको मोटे तौर पर समझने का प्रयास करें, छोटे तौर पर बिल्कुल सरल भाषा में, तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं कि अगर रूस और भारत आपस में कर रहे हैं व्यापार, तो रूस की करेंसी है रूबल, भारत का है रुपया, और बीच में आ जाता था डॉलर कि भैया रूस से जिसको जो सामान खरीदना है वो डॉलर में पेमेंट करेगा, या इंडिया जो है वो डॉलर में पेमेंट करेगा रूस को। अब नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं कि ये डॉलर को कह रहे हैं कि तुम खत्म जाओ, रूस से होगा रुबेल में बात और रुपए में बात, अब रुपया और रुबेल साथ में चलेंगे, डॉलर को बोला अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और बीच से निकल जाओ। अब ये बहुत बड़ी चीज है, और सिर्फ रूस के साथ नहीं, इसमें श्रीलंका को लेकर आ रहे हैं कि तुमसे सीधे डील होगी, हटाओ डॉलर, मालदीव से बात कर रहे हैं, कई साउथ ईस्ट एशियाई देशों से चर्चा चल रही है कि डायरेक्ट रुपए में बिजनेस होगा, कुछ अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश हैं जिनसे चर्चा चल रही है, हटाओ डॉलर को बीच से, हटाओ इसका दबदबा। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर का जो सालों से वर्चस्व है, उस पर जो निर्भरता है, उसको अब कम किया जाए।
अपने रुपए को मजबूत किया जाए, और यह बहुत बड़ा निर्णय है। फिलहाल भारत का कोई एक्सपोर्टर अपना सामान बेचता है तो उसे डॉलर में पेमेंट मिलती है, उसे वो रुपए में कैश कराता है, उसमें कन्वर्जन रेट में पैसा चला गया सो अलग। फिर भारत का कोई इंपोर्टर दूसरे देश से माल खरीदता है तो वो दूसरे देश को डॉलर में पेमेंट करता है, वहां कन्वर्जन रेट लगता है सो अलग, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर एक कॉमन करेंसी है जिसमें माल बेचा और खरीदा जाता है। लेकिन इस पेमेंट सिस्टम में अगर डॉलर को हटाना है तो यह तभी हो सकता है कि ट्रेड करने वाले आपस में यह तय कर लें कि डॉलर का अपनी अपनी करेंसी में माल खरीदेंगे और बेचेंगे। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और डॉलर का दबदबा भी कम हो जाएगा, जिसके सहारे अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता है वो दादागिरी भी डाउन हो जाएगी, आवाज नीचे ये वाला हिसाब चलेगा। और ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। कैसे भारत पर, नरेंद्र मोदी पर हमले बढ़ सकते हैं ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि इसका इंपैक्ट अमेरिका पर क्या होगा। अमेरिका की हालत खराब हो सकती है अगर उसके डॉलर को इस तरह से चुनौती दी जाए, और इसीलिए इस चुनौती को देने के बड़े रिस्क है। आपने देखा ही है कि कैसे यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत पर दबाव डाला गया कि रूस से हट जाओ, रूस से दोस्ती तोड़ दो, उसके खिलाफ वोट करो। अब अगर अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी जाएगी और अमेरिकी डॉलर की नरेंद्र मोदी लंका लगाने पर आ जाएंगे कि हटाओ इसके डॉलर को बीच से, तो आप सोचिए क्या होगा। चौतरफा हमले शुरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो लॉबी फिर से जुट जाएगी जो इस तरह की किसी चुनौती को पसंद नहीं करती। किसको अच्छा लगता है कि सालों साल से अमेरिका राजा बना हुआ है, डॉलर राजा बना हुआ है, और कोई नरेंद्र मोदी, कोई भारत आए और कहे कि हटाओ डॉलर को, ये किसी को पसंद आएगा? पूरी लॉबी है भाई, टूलकिट वाली लॉबी। कितने एनजीओज हैं उनको डॉलर में पेमेंट आता है, वो एनजीओज खड़े हो जाएंगे अलग अलग। कैसा उनका काम चलता है वो आपको पता है, इस देश में एनजीओज पर क्या कार्रवाई हुई है। बड़े बड़े स्टार वगैरह वगैरह जो ट्विटर पर चलते हैं, अलग अलग लॉबीज एक्टिव हो जाएंगी अगर ये काम आगे बढ़ने लग गया तो। मैं आपको बता रहा हूं, भारत और भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाएगा, छवि खराब करने से लेकर प्रेशर बनाने तक का काम होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये एक ऐसा काम है जो कोई और करने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था कि डॉलर को अमेरिका को चुनौती दे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हटाओ डॉलर, क्योंकि डॉलर को अमेरिका हथियार बनाता रहा है। यूक्रेन युद्ध में भी आपको याद होगा, यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया, इससे रूस को डॉलर पर चलने वाले ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम से बाहर कर दिया गया कि ये डॉलर देगा तो लेना नहीं है, कि रूस को इससे तड़प होगी, उसको तकलीफ होगी, वो परेशान होगा। रूस का 630 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज कर दिया गया कि डॉलर ही नहीं होगा तो कहां से खरीदेगा। ये क्यों कर पाया अमेरिका? क्योंकि पूरी दुनिया को उसने डॉलर का गुलाम बना के रखा है कि डॉलर नहीं होगी तो दुनिया नहीं चलेगी, हिसाब बना दिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अपना डॉलर जेब में डालो, दुनिया चलेगी और तुम्हारे बिना चलेगी। रूस के सेंट्रल बैंक को भी इंटरनेशनल पेमेंट के स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया। ये सब अमेरिका ने डॉलर के दम पर किया था, इसी डॉलर के दम को बेदम करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी।